हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक और नए सवाल के साथ। मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा है हमारा, मैट्राइसिस, और उसमें हमने 6 टाइप देखे हैं अभी तक। सब कुछ बेसिक से लेके इनवर्स तक आए थे हम। पिछले टाइप जो था इनवर्स था, टाइप 6। उसके बाद हम टाइप 7 पे आज जा रहे हैं, बराबर, जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, इसको मैं क्या करता हूँ, वेरी वेरी IMP। क्यों? क्योंकि 6 मार्क के लिए गारंटेड सवाल आने वाला है, बराबर। कितने मार्क्स के लिए? 6 मार्क्स पे एक सवाल लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में 6 मार्क के लिए ये सवाल आएगा ही। देख लो सवाल कैसे आएगा, क्या सर बदल सकता है सवाल? हाँ, क्या बदलेगा? ये 2, 3 है, इसके ऊपर नंबर्स बदलेंगे, बाकी सब सवाल आज। या फिर XYZ की जगह पे V1, V2, V3 आता है, या फिर PQR, क्या फर्क पड़ता है? वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस तो सेम फॉलो करना है, बराबर। ठीक है सर, हम तो समझ गए हैं। अब पिछले टाइप में जो स्टेप्स थे वही है सब कुछ, कुछ नहीं करना है। हम टाइप 5, 6 और 7 में वही कर रहे हैं। टाइप 5 में हमने यहां तक किया, कहां तक? एडजॉइंट पढ़ा था, यहां तक किया, बराबर। टाइप 6 में हमने यहां तक किया। अब टाइप 7 में हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, बस इसके ऊपर आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे ये भी अभी लिख देता हूं मैं। तो आपको स्टेप्स तो अलग अलग याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बराबर। स्टेप्स क्या होगा? X = A inverse B, बराबर, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ XYZ, बराबर, फाइंड वैल्यू ऑफ XYZ। तो यहां पे XYZ जो होता है, आप इसको कुछ XYZ हो सकता है, या फिर यहां पे PQR हो सकता है, V1, V2, V3, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो आपको फाइंड करना है। सर स्टेप्स तो हमने याद रख लिए हैं, आप स्टेप वाइज हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें बताओ। चलिए, इसलिए तो मैं आया हूँ, डिफिकल्ट चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को आसान बनाएंगे, बराबर, जो हम हमेशा करते हैं। चलो, तो आपका साथ है तो हम करते रहेंगे, आपका साथ हमेशा रहेगा, हम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त बिना गवाए। तो ये तो सवाल हो गया, राइट, यहाँ तक इतना सवाल आएगा आपको, ये क्वेश्चन है, ऐसा ही आएगा। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, बराबर, X + 3Y + 2Z = 3X, ये जो भी इक्वेशन दी है। एक मजे की बात बताऊं, जिसको सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्या सर बताओ? इसका आंसर आपको पता है कैसे? साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउड है, उसमें डायरेक्टली XYZ की वैल्यूज आते हैं। क्या सर? मतलब आपको आंसर पता है, मतलब 6 मार्क आपके हाथ में, गारंटेड मिलने ही वाले आंसर, गलत नहीं होने वाला। और स्टेप वाइज कैसे जाना है, कौन से स्टेप को कितना मार्क है, ये तो मैं बताता हूँ। कौन से स्टेप लिखने, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, कैलकुलेटर में डायरेक्टली XYZ की वैल्यू आती है, उसके ऊपर अलग वीडियो है, वो चेकआउट करना है आपको सीरीज में, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर एक्सपर्ट जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके आंसर तो ऑलरेडी हमको पता है सर, हमको एक्स भी पता है समथिंग, वाई भी पता है, और जेड भी पता है सर। आपको क्या करना है, पहले कैलकुलेटर में डाल लो और आंसर याद रखो, साइड में लिख के लो, और एंड में वही आंसर्स लिखने हैं आपको, चाहे आपका एक आधा आंसर अलग भी आए तो लिखते समय आपको वही लिखना है, बराबर। क्योंकि क्या होता है ना, ये थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, ह्यूमन एरर, ह्यूमन मिस्टेक, नज़रअंदाज से बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन एरर, 4 × -2, 3 × 2, 1 × - बहुत करना पड़ता है, माइनस माइनस प्लस सब कुछ ध्यान, कहीं पर भी एक छोटा सा भी मिस्टेक हो गया ना तो पूरा गलत हो जाएगा। और इतना टाइम नहीं है आपके, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये प्रॉब्लम जो है इसको ज़्यादा टाइम लगता है, और इसके साथ जो अगला दूसरा 6 मार्क का ऑप्शन होता है ना, वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम बाद में जब क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा सवाल आपको करना चाहिए, अगर वो नहीं आता है तो ये करना होगा आपको। लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसके आंसर आपको ऑलरेडी पता है कैलकुलेटर की वजह से, ठीक है। तो दोनों के कुछ साइड इफेक्ट, उसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, वो तो बाद में बातें करेंगे हम क्वेश्चन पेपर में, कौन सा सवाल पहले करना है, फिर कौन से इग्नोर करने हैं, अगर 6 में से 4 करने हैं तो कौन से 4 आपको पिक करने हैं, जो कम समय में हो और जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो कि भाई मेरा सही आएगा, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे।
तो चलिए मैं डायरेक्टली अभी शुरू करता हूँ। तो स्टेप वन में क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, बराबर। तो ए तो नहीं दिया है सर, तो ए हम बनाएंगे, बराबर। लेट ए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। लेट ए इज इक्वल टू, इसके जो कोएफिशिएंट है वो ए होते हैं, बराबर। एक्स का कोएफिशिएंट तो कोई नहीं है सर, तो मतलब वन होता है वहां पे, 1, 3, 2। अच्छा 3 - 2, 5। ओके 2 - 3, 6 बन गया ये। और क्या चाहिए हमको, इसके साथ साथ हमको एक और मैट्रिक्स बनाना है, एक्स। एक्स मतलब क्या होगा सर, ये सिंगल कॉलम का मैट्रिक्स होगा, जो वेरिएबल्स है वो डाल देने, मतलब कैसे डाल देने, वर्टिकली, एक्स वाई जेड। और इसके साथ और एक ऐसा ही मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम नाम देंगे बी, जो राइट हैंड साइड में जो आपको कॉन्स्टेंट्स दिखते हैं 6, 5, 7, वो बी में आएंगे। बस इतना ही करना है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, चलिए स्टेप वाइज चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, स्टेप वाइज चलते हैं। ओके अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो एक्स और बी कहाँ से आएंगे, इधर है एक्स और बी, और ए इनवर्स कहाँ से आएगा, ए से हम ए इनवर्स बनाएंगे। पिछले टाइप में, इसी चैप्टर के पिछले टाइप में, टाइप 6 में हमने वही तो पढ़ा, ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ए इनवर्स फिर से फाइंड करेंगे हम, तो नो प्रॉब्लम। थोड़ा समझ आएगा, थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो स्टेप वन तो हमारा चल ही रहा है, राइट। स्टेप वन में क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं अभी पहले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब क्या, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको डिटर्मिनेंट में डाल दो, 1, 3, 2 है, राइट, 2, 3, -2, -3, 2, 5 और 6, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं सर, हमको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 1 लेना है, पहले तो हमें यह पता है सर कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस होता है, बराबर। तो प्लस वन, वन मतलब प्लस वन ही है, तो वन का रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बहुत बार किया है सर हमने, 5 × 3 = 15, राइट। तो ये माइनस 15 आएगा, राइट, ओके। अब ये माइनस 3 लेते हैं सर, इसका रो छोड़ो, इसका कॉलम छोड़ो, 3 × 6 = 18 - 2 × 5 = 10 सर, समझ आ गया। प्लस अब सर ये प्लस 2 ले लो, इसका भी रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, 3 × 3 = -9 -, ओके समझ गए सर। तो यहाँ पे लिखता हूँ अगला पार्ट, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये माइनस, ये 15 प्लस हो जाएगा, 15 - 12 ये 3 हो जाएगा, 18 - 10 = 8, 8 × 3 ये 24 हो जाएगा, 4 - 9 - 5 × 2 - 10 हो जाएगा। अच्छा सर, तो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, -24 - 10 + 3 - 34 - 31 आई, राइट। और ये भी वैल्यू डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कैलकुलेटर में आता है, इसकी भी चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, अब स्टेप टू करते हैं। ओके दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट मतलब होता है ए इनवर्स एग्जिस्ट। एक लाइन आपको लिख देनी है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आई, मतलब ए इनवर्स इसका बनेगा। ओके सर, स्टेप टू में क्या है, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। अब क्या है हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स, राइट, विच इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पिछले भी प्रॉब्लम में किया है, फिर से करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स क्या होता है, वन का माइनर बनाना है। वन का माइनर कैसे बनाते हैं, रो छोड़ो, कॉलम छोड़ो, जो भी बचते हैं नंबर, ये 4 एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, और इसको डिटर्मिनेंट में डाल देना है, मतलब दो वर्टिकल लाइंस में,
ओके, सबके लिए ऐसा करना है। चलो थ्री का भी करो, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 3, 5, 2, 6 ये हमने डिटेल में देखा है राइट, माइनर वगैरह पहले भी। टू का भी रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 3 - 2, 2 - 3 थ्री का रो छोड़ो कॉलम, 3, 2 - 3, 6 ओके, माइनस टू का रो छोड़ो कॉलम, 1, 2, 2, 6 फाइव का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 1, 3, 2 - 3 आई होप दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का रो छोड़ो कॉलम, 3, 2 - 2, 5 3, 2 - 2, 5 उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, -3 का रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 और यहाँ पर क्या आएगा, इसका भी रो छोड़ो कॉलम, 1, 3, 3 - 2 और ये मैट्रिक्स बन गया। अब मैं आपको सिंपली बता दूं मैंने किया क्या है, ये किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो बता देता हूँ, कोई भी एक एलिमेंट का बता देता हूँ। अगर 5 का मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है राइट, तो 5 का मैंने रो छोड़ा और कॉलम छोड़ा, क्या क्या बचा, 1, 3, 2 - 3 तो वही यहाँ पर लिखा है, हर एक नंबर के लिए वही क्या है। बराबर, ठीक है सर, समझ गए, आगे बताओ। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई राइट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हमको तो पता है डिटरमिनेंट बेसिकली हमने देखा है। ओके सर, तो फाइनली मैट्रिक्स ऑफ को, मैट्रिक्स ऑफ क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स क्या आया हमारा, -2 × 6 - 12 5 × -3 - 15 राइट, तो +15, 15 - 12 कितना हो गया, ये 3 हो गया। ये कैसे आया माइनस, ये मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, -12 राइट, -5 × -3 - 15 तो -12 ये 15 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, तो 15 - 12 कितना, 3, वही तो लिखा है मैंने राइट। तो आपको ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो ये 18 माइनस, तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अभी, आपको समझ गया आई होप कैसे करना है। 18 - 10 8 - 9 +4 - 5 18 - 18 + 6 24 6 - 4 2 -3 - 6 15 + 4 और 5 - 6 5 - 6 - 1 और -2 - 9 - 10 ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 4 मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स राइट, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे करते हैं। ये जो डायगोनल दिख रहा है आपको, डायगोनल नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, डायमंड, ये चार एलिमेंट जो है 1, 2, 3, 4 इनके साइन चेंज कर देने हैं आपको, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो कैसे बनेगा ये मैट्रिक्स, 3, 8 का साइन चेंज कर दो, बाकी सब एज इट इज, ये चार एलिमेंट्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। 24 का भी साइन चेंज हो जाएगा बराबर, ओके सर समझ गए। 2, 9 का भी हो जाएगा 19, ओके ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 एडजॉइंट क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब रोज को कॉलम्स लिख दो, रोज को कॉलम्स बना दो बराबर। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, 3 - 8, 5 ये पहला रो, उसको वर्टिकली लिख दो बराबर, इसको मैंने वर्टिकली लिखा। फिर सेकंड रो, इसको भी वर्टिकली लिखो, ओके। अब थर्ड जो है, इसको भी वर्टिकली लिखो,
19 1 माइनस 10। क्लियर, ये हो गया एडजॉइंट। तो हमारा स्टेप फोर तक हो गया, ठीक है। हमने क्या किया है, एडजॉइंट तक निकाल लिया है। अब हमारे बोर्ड पे जगह नहीं बचा है, बराबर, क्योंकि मैं अगर नीचे लिखता हूँ तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, मैं साइड में हो रहा हूँ, आपको लिखना है, ये लिख के ले लो पूरा एज इट इज़ यहाँ तक, स्टेप फोर तक, मतलब वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, क्योंकि मैं ये रफ करने वाला हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। कहाँ से मिटाऊंगा मैं, स्टेप टू से मिटाऊंगा ये वाला पार्ट, फिर वहाँ पे हम इसको अगला जो बचा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा मिटा दिया है जो बीच का था, हम एडजॉइंट तक आए थे, बराबर। तो हमारा यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारा, ए मॉड ए इज इक्वल टू आई थिंक -31 आया था, राइट। ये हमें लगने वाला है, इसलिए मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, -31 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनवर्स, राइट। स्टेप फाइव विच इज इक्वल टू ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, बराबर। तो लिख दो यहाँ पे कैसे होगा ये, एडजॉइंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मतलब -31, इसकी वैल्यू हमने डिटर्मिनेंट की फाइंड की थी, और एडजॉइंट की वैल्यू है 3, -24, 19, -8, 2, 1, -5, 9 और -10, ठीक है। अब लास्ट स्टेप करेंगे। सर बहुत लेंदी है ये, तो मुझे तो लगता है ये सब करने के बाद बच्चे सोचेंगे यार ये इसको छोड़ ही देते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसकी ब्यूटी क्या है, इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है ना, तो मार्क तो आंसर तो देखा जाएगा, आंसर अगर सही है तो चेक करने वाला समझेगा भाई इसने सही ही किया होगा, तभी तो आंसर सही आया है, और हम क्या पूरा गलत तो नहीं कर रहे हैं, बराबर। हाँ, कहीं सिली मिस्टेक हो सकती है, सबसे होती है, कितना भी विद्वान क्यों ना हो सिली मिस्टेक तो होती है, ठीक है। तो लेकिन आपको कोशिश करनी है सिली मिस्टेक नहीं करने की, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ये स्टेप सिक्स बचा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, राइट, बराबर। तो वो अगला पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ। तो जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने ये फिर से मिटा दिया है जो भी इधर का पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है। तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है, राइट। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है, जो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उसके बाद ए इनवर्स जो है 1 अपॉन -31 इन ब्रैकेट 3 -24 19 -8 2 1 और -5 9 -10, राइट, इंटू क्या है, बी है, इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है हमारी 657। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अलग टाइप देखा है हमने, अलग टाइप में देखा है, डिटेल में देखा है मैट्रिक्स दो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, बराबर। कुछ नहीं है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, वैसी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर से मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या करना है, पहला रो इंटू दिस कॉलम, क्योंकि क्या होता है ये रो वन रो टू और रो थ्री, पहले मैट्रिक्स के रोज देखने और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स देखने हैं। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा कैसे, आर वन के साथ ये कॉलम, फिर आर टू के साथ कॉलम और आर थ्री के साथ ये कॉलम, तो ये ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा, बराबर। आपको क्या करना है, पहले रो वन इंटू सी वन करना है, तो वो कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट इंटू पहला 3 × 6 = 18 प्लस दूसरा इंटू दूसरा 24 × 5 आई थिंक 120 और 19 × 7 कितना होता है 70 और 63 कितना 133। ओके, उसके बाद आर टू सी वन नीचे आएंगे, आर टू सी वन -8 × 6 2 × 5 और 1 × 7 प्लस करना है, ओके सर। फिर आर थ्री सी वन -5 × 6 +9 × 5 और +-10 × ये आ गया -70, ओके सर। अब ये फाइनली कितना आया,
वन अपॉन माइनस 31, ये करो कैलकुलेशन आप, 133 माइनस 120 कितना आता है, 133 माइनस 120 आई थिंक 13 आता है, और 13 प्लस 18 31, ओके, 10 प्लस 7 17, 17 माइनस 48 या माइनस 31 आएगा, और यहाँ पर 70 और 30 कितना होता है, 62 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है 62, ये तीनों का 62 आना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ नंबर गलत हुआ है तो यहाँ पे कुछ तो सिली मिस्टेक हुई है, ये आपको समझना है। लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि क्यों मैंने 62 लिखा वो भी मैं बताता हूँ, 62 नहीं माइनस 62, ठीक है माइनस 62, ओके सर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो फाइनली 31 से डिवाइड होगा, थर्टी वन अपॉन माइनस थर्टी वन कितना आया, ये माइनस थर्टी वन, ये 31 माइनस 31 सबको डिवाइड होगा अंदर, पहले बता दूं आपको बराबर, तो ऐसे आएगा। तो x कितना आया, देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन, वाई इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू टू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो तीसरा जो रो है, तीसरा जो एडिशन है, वो मेरा माइनस 62 नहीं आ रहा था, ठीक है, मैंने फिर भी माइनस 62 लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे आंसर ऑलरेडी पता थे, ये तीनों कैलकुलेटर मैंने जब इक्वेशन डाले थे तब मुझे पता था कि एक्स वाई जेड का आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि ये पहला नंबर होता है एक्स का, ये वाई का और जेड का, तो जेड का आंसर तो 2 आएगा बराबर, तो बराबर यहाँ पे अगर 62 आता है तभी तो माइनस 62 और माइनस 31 2 आता है ना, समझ गए आप। तो इसी तरह से आपको मैनेज करना है, क्योंकि कितना भी विद्वान आदमी क्यों ना हो, इतना लेंदी अगर छोटा 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 करते जाएगा ना कहीं सिली मिस्टेक तो होती है, तो सिली मिस्टेक को डरना नहीं है, कोशिश करना है आपको नहीं होना तो, लेकिन अगर हो जाती है तो उसके ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन है, आपको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि अगर कोई पेपर आपका चेक करता है ना तो ये रो चेक नहीं करेगा, यहाँ पे माइनस 62 आया है ये भी चेक नहीं करेगा, हाँ यहाँ तक, हाँ भाई इसका क्या है, हाँ डिटर्मिनेंट इसका सही है, इसका ये भी सही है, इसका एडजॉइंट सही है, इनवर्स सही है, हाँ आंसर्स भी सही है, बात खत्म, आंसर तो सही है बराबर, और स्टेप्स भी सारे लिखे हुए हैं, स्टेप वाइज गया है बंदा या बंदी जो भी है, और आंसर भी सही आया है, मतलब उसको इतना टाइम नहीं है हर एक आपका कैलकुलेशन, भाई हाँ ये कितना कैसे आया, नहीं वो नहीं करेगा, आपको इसके आउट ऑफ मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने ये भी समझा दिया है कि आपको अगर कहीं पे सिले मिस्टेक से आपका कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, मैच नहीं हो रहा है आंसर को, तो आपको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे डायरेक्ट जो चाहिए वो लिख लो, कैसे किया, माइनस 31 इंटू 2 माइनस 62 कैलकुलेटर में डालो वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है पूरा, फिर से वीडियो एक बार दो बार तीन बार देख लीजिए, जितना जब तक परफेक्ट नहीं होता है, और हाँ अगर लेंदी लग रहा है ना, इसके ऊपर भी हमारे पास सॉल्यूशन है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो दूसरा एक होगा इसके लिए और का क्वेश्चन, वो आसान होगा और कंपेरेटिवली कम समय लगेगा, और वो भी आसान होगा, वो हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन इसकी एक बात है, इसके आंसर ऑलरेडी हमको पता होते हैं, तो गलत होने के चांसेस है नहीं, तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा लेंदी बन जाता है, अगर आपके पास समय है तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एनालिसिस तो करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब जो भी है शेयर सबके साथ शेयर करो, और बेल आइकन प्रेस करो, और वीडियो शेयर करो, और क्या होता है वो करो सब कुछ, और करते हैं फिर अगला सवाल या फिर अगला टॉपिक जो भी है।